हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ, काम भी बहुत बढ़िया से चल रही है और काफ़ी बढ़िया फार्म का स्थिति भी काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। और हो सकता है तो आप लोग की दुआ से बहुत ही जल्द इस मंथ जो है सो कई तरह के 2-3 पशु हमको मतलब अच्छे ब्रीड की देखने को मिलेगी हमारे फार्म पे। नाद वगैरह का काम जो है सो लगभग कंप्लीट हो गया है, बस हमारे पास में ही थोड़ा सा फर्श बनाना बाकी रह गया है। और फर्श बनाने के साथ में कुछ इस साइड पे थोड़ा सा वर्क होगा। और तो दोस्तों, आज का हम लोग बात करेंगे, टॉपिक में बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे भाई का कमेंट आता है कि हम लोग लास्ट टाइम पे जो है सो कौन सा क्या खिलाएं कि अर्डर जो है सो मजबूत बने। अर्डर से हम लोग बहुत संबंधित परेशान रहते हैं, मस्टाइटिस हो जाती है गाय का थनों में, और सबसे पहले दूध जो है सो सही मात्रा में नहीं आती है, या दूध का टपकना, दूध टपकती है, या थन जो है सो बांट जो है सो इधर से उधर भागती है, दूध सही मात्रा में बाल्टी में नहीं आती है, इधर से उधर जाती है। और बहुत ऐसी समस्या होती है, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, थन में जो है सो झुर्रियाँ आ जाना, बहुत ज़्यादा थन जो इतना होते हैं उसको अर्डर जो है सो डेवलपमेंट नहीं करता है। और थन को एकदम अच्छी बनावट और अच्छी तरीका से आकार देने का काम हम लोग करेंगे। और किस टॉप कौन सा ऐसा यूज़ करेंगे, कौन सी ऐसी मेडिसिन है, कौन सा ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे और कौन सा फीड में क्या लेंगे, तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और इस दवाई के बारे में मैंने यार कभी कई तरीका वीडियो पर उस चीज़ का जिक्र मैं कर चुका हूँ, तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें, पूरे वीडियो को आप लोग प्रॉपर तरीका से देखें। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। तो देर न करते दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ चुके हैं बैक कैमरा में। सबसे पहले हमारा फार्म देख सकते हैं, फार्म की स्थिति इस तरह से है। और बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कुछ क्रॉस ब्रीड में भी है, कुछ देसी में भी है और कुछ ब्रीड में भी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी ब्रीड की है, लगभग 30 लीटर के आसपास में, 29 हमारे यहाँ पे, तो लगभग 28-29 के आसपास में दूध की है और प्रेग्नेंट है। अभी 6 मंथ हो गया, इसका बच्चा दिया हुआ है, लगभग 3 मंथ के आसपास में प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस गाय के बारे में कि तो इस गाय का अर्डर भी काफ़ी बढ़िया से, मैं इसको उठाना नहीं चाहता हूँ, अर्डर काफ़ी बढ़िया है। और भी बहुत सारे ऐसे पशु आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े फार्मिंग जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं उसका अर्डर जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और दूध जो है सो मशीन से निकाला जाता है तो वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। लेकिन उस मशीन से भी सबसे बड़ी समस्या आती है कि दूध जो है वो सही धार में आना चाहिए और अडर का डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। छोटा अगर जो ये होता है बांट जिसको बोलते हैं, उसमें छोटा रहने से क्या होती है कि मशीन में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी और आपको सही मात्रा में दूध उत्पादन भी नहीं हो सकता है, सही मात्रा में धार जो है सो एकदम प्रॉपरली जो है सो बाल्टी में नहीं आता, ना ही मशीन में आता, तो उस तरह में दूध निकालने में हमको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। और बार बार मस्टाइटिस की भी झमेला होती है, मतलब मस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, अर्डर डेवलपमेंट नहीं होता है सही मात्रा में। और हम लोग मेन विशेष पर सही मात्रा में अगर हम लोग बछिया भी पालते हैं या गाय भी पालते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद में भी, और बहुत ऐसी समस्या होती है जो उसके बॉडी में चमक धमक की जैसे बात करते हैं, बॉडी में सही मात्रा में लाइटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पशु जो है सो काफ़ी बेहतरीन तरीका से तैयार हो रही है, काफ़ी बढ़िया तरीका से जो ये पशु हमारे पास में जो तैयार हो रही है। यहाँ पे हमारी बछिया भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी, बहुत जल्द बच्चा देने वाली है, कुछ ही दिन में यह हमारा बच्चा भी बच्चा दे देगी। और भी कई सारे ऐसे प्रेग्नेंट पशु है, हमारे गिर गाय का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि बहुत ही सारा, वो भी बहुत ही जल्दी बेहतर डेवलपमेंट करी है। और जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो वाइटम एच है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बेस्ट, कई तरह के कंपनियां के आपको वाइटम एच मिल जाएगा, हमारे पास में हमेशा अवेलेबल रहती है। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा महंगा है बट बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, और हमेशा से आपको मददगार मिलेगी और हर एक चीज़ में आपको समस्या का प्रॉब्लम समाधान इस चीज़ में खोज के देता है। आपका खुर में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बैठने उठने में भी समस्या आ रही है, बच्चा देने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ को ये निवारण करता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये लगभग 500 ml की है, 755 रुपया प्रिंट रेट है, लगभग 750 के आसपास में आपको हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये ट्रिनिटा कंपनी की है और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कई बार इसकी वीडियो में आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ में जो है सो इसका वैल्यू दिया हुआ है, पर ये चीज़ दिया हुआ है देखिए विटामिन D3 कितना एकदम भारी मात्रा में इसमें है और सारा चीज़ जो है सो इसका कितना बेहतर एकदम है और कई ऐसा चीज़ समस्या का समाधान जैसे करता है। आपका थन में मान लीजिए प्रॉब्लम होता है, सही मात्रा में आप अगर आप चाहते हैं कि अर्डर बढ़िया हो और जो अलग बड़े फार्म में जो गाय हमारी जो देख पाते हैं
उसका जो है सो अर्डर काफ़ी बढ़िया बेस्ट क्वालिटी में बिल्ड हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीका से वो दूध उत्पादन कर रही है। तो उस चीज़ में हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करेंगे और कितना मात्रा में देंगे ये चीज़ हम लोग जानेंगे। इसको देने का विधि भी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग देंगे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम में आपको अगर ऐसे देना रहेगा तो आप 3 मंथ से आप दे सकते हैं, लास्ट में जो 6 मंथ के बाद में आप कंटिन्यूसली 10 ml करके दे सकते हैं। अगर 10 ml नहीं दे पाए हैं तो लास्ट के 1 मंथ में आपको 15 ml करके देना है। कोई भी तरीका से आप चोकर के साथ ले ले, या तो रोटी में सबसे बढ़िया बेहतर खाती है गाय, रोटी में उसको डाल के, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑर्डर काफ़ी बढ़िया ऑर्डर से रिलेटेड है और ये वाइटामिन के बारे में बहुत सारा बताया गया है उसमें चीज़, तो उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी उस वीडियो को देखने के बाद में। तो इसमें आपको हर एक तरीके की समस्या और गाय बच्चा देने में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, और फास्फोरस की जो कमी होती है वो चारा सारा चीज़ जो है सो बहुत ही बेहतर तरीके से वाइटामिन जो है सो पूरा करती है। और कोई भी जो भी प्रेग्नेंट में जो जो चीज़ गायों की ज़रूरत होती है वो चीज़ को हमेशा कवर करती है सारा चीज़ में। तो आपको फीड में भी अगर आपको देना है तो जो भी पशु आहार दे रहे हैं तो उसमें 1 kg सुबह 1 kg शाम लास्ट टाइम पे आपको ये चीज़ देना है, तब की ऑर्डर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और काफ़ी बढ़िया हर एक मौसम में सूटेबल है। कोई भी ये नहीं है कि ठंड में नहीं दे सकते हैं, गर्मी में नहीं दे सकते, हर एक 12 महीने में आप कभी भी टाइम में दे सकते हैं प्रेग्नेंट गाय को। बछिया भी तैयार करना चाहते हैं तो बछिया को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉडी वेट के साथ में वो तैयार होगी, आपकी गाय भी काफ़ी बढ़िया तरीका से होगी। सबसे पहले अगर हम लोग सीमन भी डालते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि बॉडी वेट होना चाहिए सबसे बेहतर, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। बॉडी वेट नहीं होगा तो सही मात्रा में हम लोग सीमन नहीं लगा सकते हैं सही मात्रा। तो वाइटामिन हर एक जगह सूटेबल है, बछिया के लिए भी है और गाय के लिए भी है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर यूज़ करें, मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाइटामिन पे एक बार जाएं, प्रयास करें, ट्राई करें। हर एक कंपनी में अवेलेबल होती है, हर एक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो वाइटामिन को एक बार उपयोग करें और इस्तेमाल करें और देखें, ट्राई करके देखें कि क्या इसमें समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है। एक छोटे थन को बड़े स्तर में एक बड़ी बेहतर तरीका से ऑर्डर का क्वालिटी जो है सो डेवलपमेंट करता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और भी इस तरह के जानकारी वाले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।